हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की इस वीडियो में हम ऐसी चीज़ के बारे में जानेंगे जिस पर आप बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, दैट इज़ कंप्यूटर्स। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2022 में मैं बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स पढ़ता हूँ इंस्टाग्राम पर, जो मुझे फॉलो करते हैं मैसेज करते हैं, उनके जवाब देने में बहुत अच्छा लगता है। जब मैं ये देखता हूँ कि कंप्यूटर में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आप बहुत सारे सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके हो, क्योंकि इस बार जो है पैटर्न में सब कुछ इंक्लूडेड है और कंप्यूटर और ज़्यादा चेरी ऑन द केक हो गया। पहले इतना सब था और भी ज़्यादा हो गया, तो कंप्यूटर के लिए जो है वो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे से लाइटली ले रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे हैं। रीज़न बीइंग कि ये क्वालिफाइंग है। एक चीज़ आपको बता दूँ, कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर के हायर स्टैंडर्ड सेट होगा, मैं डिस्कस करूँगा, और क्या कहाँ पर आप स्टैंड करते हो अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो, वो भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा मॉक टेस्ट आपको रेगुलरली लगाना चाहिए। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं आपकी जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। जैसे कि ये हमारा दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल में पूछी गई चीज़ें कि क्या हमारा दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल में कंप्यूटर के कितने क्वेश्चंस आए हैं और कहाँ से आए हैं, जैसे आपको टॉपिक बताऊँगा अभी वो देख लेना। IBPS की बात करें 600 क्वेश्चंस, ये जो वेंडर्स हैं, ठीक है, ऑनलाइन जो भी ले रहे हैं, जब किसी को एग्ज़ाम पैटर्न बनाने के एग्ज़ाम को दिया जाता है तो वो वही क्वेश्चन देखता है बाकी एग्ज़ाम में कैसे पूछे जा रहे हैं अगर सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि NISCL में 120 है, SBI में ये है, NABARD में इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये चार चार पाँच पाँच सेट के क्वेश्चन है गाइस। मतलब कंप्यूटर में आप देख सकते हो कि पहले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वेटेज थी और अब जो है वो दे दी गई है। इम्प्रूव कैसे करना है बेसिक से, ये सारा तरीका मैं अभी आपको समझाऊँगा। ठीक है, जो लोग नए हैं उन्हें बता दूँ, जिन्होंने अभी तक कोई बुक नहीं खरीदी है, पहले भी बुक खरीद लो आप। ठीक है, और मैं बताऊंगा और भी कौन सी बुक्स हैं। फिलहाल जो मेरे पास बुक है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जैसे ये वाली बुक है कंप्यूटर ज्ञान की, ठीक है, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, इसमें 2000 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, थ्योरी भी है, प्रैक्टिस सेट भी है, PYQ भी है। ठीक है, अब अच्छी बात क्या है इसमें, इसमें TCS के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके पैटर्न को जो डिकोड किया गया है, कैसे क्वेश्चन बाकी एग्जाम में पूछ रहे हैं, दिल्ली पुलिस का हो चाहे किसी का भी हो, और क्या है पहले टर्मिनोलॉजी बताई हुई है, ठीक है, पूरी, उसके बाद अल्फाबेटिकली चले हैं कि A से क्या है, B से क्या है, V से क्या है, जैसे W से क्या क्या होता है आपका। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बोलता हूँ आपको, सूडो कोड क्या होता है। अब ये सूडो कोड P से दे रखा है, मान लो आपके पेपर में आ जाए तो आपको पता ही नहीं होगा। इंट्रोडक्शन पूरा कंप्यूटर का, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब आपकी पूरी थ्योरी है, पूरा का पूरा थ्योरी क्लासिफिकेशन कंपाइल करके दिया हुआ है, फिर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जैसे कि इस टाइप के, तो इन क्वेश्चंस को करने से क्या आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप क्यों लेना है ये भी अभी आपको बताऊंगा, और भी बुक्स बताऊंगा इसी वीडियो में। मेरे पास जो है वो मैंने आपको बुक दिखा दी, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये सारे क्वेश्चन, फुल फॉर्म क्या है, PDA की, इस टाइप से फिर बड़ा अच्छे से फ्लो चार्ट्स प्लस इनसे इन्होंने समझाने की कोशिश भी की हुई है। तो मुझे लगता है कि ठीक बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी बुक्स का क्या, ठीक है, उनका भी बता देता हूँ। ये दो बुक तो आपकी आती है, अभी जो मैंने दिखाई TCS कंप्यूटर ज्ञान, एक ऑब्जेक्टिव भी आती है 1650 क्वेश्चंस की, ये भी ले सकते हैं, इसमें भी सेम टाइप का, ज़्यादा रेट नहीं इनका, 200-250 की बुक्स हैं ये भी। पर यह है कि कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें आप जहाँ लैग कर रहे हो प्रैक्टिस करने से, TCS के लगभग 50 से ज़्यादा सेट इन्होंने बनाए हुए हैं, प्लस 50 GD कॉन्स्टेबल और दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के हैं। ठीक है, लूसेंट की एक बुक आती है कंप्यूटर की, वो वाली आप परचेज कर सकते हो, ये भी बेस्ट बुक है, इसमें भी आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा अच्छे से। पिनाकल की आती है, इन्होंने भी कंपाइल कर दिए जितने भी, तो अगर आप किरण ले लोगे तो वो बेस्ट है, वरना आपके पास एक ऑप्शन और है सेम राकेश यादव, तो आपको अगर लेनी है या तो लूसेंट ले लेना या किरण पब्लिकेशन की। किरण ने थोड़ा SSC के पैटर्न को देखते हुए बुक बनाई है, बाकी आपकी जो मर्जी वो आप ले सकते हो। ठीक है, ज़्यादा रेट में डिफरेंस नहीं है, PDFs वगैरह जैसे ही अवेलेबल होंगी हमारे पास वो भी अवेलेबल करा देंगे टेलीग्राम SSC कोर पर। इंग्लिश उसकी मैंने बोला था मैथ की एक बुक की, वो PDF हम जल्दी डाल देंगे आपके पास, टेलीग्राम पर आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, उसमें सारा चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब जो बच्चे नए हैं और वो टेस्ट नहीं दे रहे, ओलिव बोर्ड पर आप जाके जरूर टेस्ट दें। ठीक है, ओलिव बोर्ड अब तक मैं आपको दूसरी साइट का बता रहा था, बट कुछ रिव्यूज़ मिल रहे थे कि इतना अच्छा नहीं जा रहा है, तो आप इसका ट्राई कर सकते हैं। 28-29 जनवरी को लाइव टेस्ट होने वाला है, लाइव में आपका, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं बच्चे, 10,000-12,000 से ऊपर आपके बच्चे आपको दिखेंगे यहाँ पर लीडरशिप बोर्ड के अंदर, उससे आपको लेटेस्ट पैटर्न पता लग जाएगा और सबसे ऑल इंडिया स्टैंडिंग पता चलेगी, जैसे रियल में होगा एग्ज़ाम वैसे ही। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप
जरूरी से अटेम्प्ट करें, सैटरडे संडे को होता है, कल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो देखना भूल जाए पूरे दिन में जब भी आप वीडियो देखो अटेम्प्ट जरूर करना उस टेस्ट को, संडे तक रहेगा 12 बजे तक। सॉल्यूशन परफॉर्मेंस एनालिसिस दोनों तरीके इसमें बता देंगे, वीडियो के सॉल्यूशंस भी रहते हैं, तो बेस्ट है इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अटेम्प्ट करने का फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जैसे इनकी रैंक आई है तो ये इनके दिख रहे हैं, और आप भी नेक्स्ट हो सकते हो जिनको जो फर्स्ट आ सकते हैं। अच्छे मॉक टेस्ट है इनके, इनकी जो वो है वो अच्छा आ रहा है रिव्यू, 300 प्लस पर, अगर आप इसमें 300 प्लस लेके आ रहे हो तो आपको पोस्ट मिल जाएगी, बाकी इस पर एक सेपरेट वीडियो जब भी टाइम मिलेगा बनाई जाएगी क्या आपको करना चाहिए ओवरऑल मार्क्स बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि वाई कंप्यूटर इज इम्पोर्टेंट, तो मैंने इसके रीज़न दिए, एक तो हायर स्टैंडर्ड सेट होगा, यानी कि अगर आप ऑप्ट करना चाह रहे हो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट, इन पोस्ट का जैसे केंद्रीय सचिवालय में होती है CSS, या विदेश मंत्रालय में होती है, या एक्साइज इंस्पेक्टर होती है जिस पर हम काम कर रहे हैं, या इनकम टैक्स होती है, तो अब ये जो पोस्ट है इन पे पहले CPT होता था, तो इनमें कंप्यूटर की कट ऑफ हायर क्वालिफाइंग कर सकते हैं, यानी कि अगर 60 नंबर है और उसमें आपकी कुछ परसेंटेज फिक्स है तो उससे 10 नंबर प्लस एक्स्ट्रा कर सकते हो इन पोस्ट के लिए, बाकियों के लिए जितनी क्वालिफाइंग है वो रह सकता है। नॉट एबल टू प्रिपेयर, इसमें सिर्फ कल भी मैंने बताया था ये आपकी गलती, अगर आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, मार्केट में बुक्स है हमारे जैसे लोग बताने वाले, बट कमी आपकी है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई पर नहीं। ये जो एक महीना है ना ये बहुत क्रिशियल है एंटरटेनमेंट के लिए, एक चैनल मैंने बनाया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, वो फॉलो कर लेना, वहाँ पर जो भी एंटरटेनमेंट भी आप देखो तो कम से कम रिलेटेड एंटरटेनमेंट देखो, जो भी GST में हो रहा है या कैसी लाइफ है ना, वो एंटरटेनमेंट टाइप की देखना आप, ठीक है। तो एक घंटे जो है आपको कितने घंटे कंप्यूटर पे देने वो भी मैं डाल दूंगा, सब कुछ अभी बता रहा हूँ इसी वीडियो में। रिसोर्सेज मैंने आपको अभी बताए क्या क्या है, आप ऑनलाइन भी सर्च कर करके पढ़ सकते हो, सिलेबस देख के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे सिलेबस आपको मिल जाएगा SSC की वेबसाइट में जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसमें आप जो जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्यूटर के बारे में गूगल पर सर्च करते जाओ, या यूट्यूब पर भी कुछ वीडियोस पड़ी होंगी फ्री में उनको देख लेना जो भी टीचर्स ने बना रखी है, वो भी बेस्ट हो जाएगा, उससे भी आप कर सकते हो। पर यह कि कंपाइल्ड एक जगह पर मिल जाता तो ज़्यादा ईजी हो जाता है, वरना आप थोड़ी सी हार्ड वर्क करके ये भी कर सकते हो, और अपनी नोटबुक में नोट्स जरूर बनाना, ठीक है, अभी वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कैसे आपको इम्प्रूव करना, देखिए मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे होगे तो आपको समझ आएगा, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप दे रहे हो कंप्यूटर में आपके नंबर जो है वो स्टैग्नेट हो रहे हैं, 15 से 20 नंबर ही आप ले पा रहे हो, यानी कि आप 5 से सिर्फ 7-8 क्वेश्चन ही सही करते हो टोटल 20 में से, तो आप बिगिनर ही हो मेरे भाई, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा सारे टॉपिक्स पर जितने भी हैं, 1.5 घंटा अभी देना शुरू करोगे तो 1-1.5 महीने में जाके आपका स्कोर जो है सही हो जाएगा, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा 3 बार देना है वीक के अंदर, डेली नहीं पढ़ना, 3 times a week। 20 से 30 अगर आपका स्कोर आ रहा है तो अभी आप इंटरमीडिएट हो, इसको हाई करने की कोशिश करो, क्वालिफाइंग है आपको नहीं पता कि कितना हो सकता है ज़्यादा बच्चे 30 नंबर के आसपास 20 से 30 ला रहे हो और आप उस कट ऑफ को क्लियर ना कर पाओ जो इंस्पेक्टर है CSS की रहेगी, तो कंप्लीट है आपका, बस थोड़ा सिलेबस बचा होगा इस वजह से आपका ये आ रहा है, 1 घंटा 2 3 बार वीक में। 30 से 40 है तो कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिवाइज करते रहो, 30 मिनट या 20 मिनट हफ्ते में 2-3 बार कर लो, मोर देन इनफ है। तो आई गेस आपकी लेवल ऑफ नॉलेज के हिसाब से मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। ये वीडियो सिर्फ इस पर्पज़ से थी, एक तो आप लाइव मॉक टेस्ट जो हो रहे हैं उनको अटेम्प्ट करें, दूसरा आप कंप्यूटर के जो भी रिसोर्सेज हैं उनको मैंने कंपाइल करके आपको समझा दिया कहाँ से आप पढ़ सकते हो, चाहे आप यूट्यूब की मदद लो चाहे गूगल की लो, बट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए लेना और प्रीवियस ईयर को ज़रूर देखना। अगर आपको PDFs मिल जाती है PDF से पढ़ो, वरना ये बुक खरीद लेना जो मैंने बताई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो SSC कोर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, 1-2-3 को यहाँ पर सबसे पहले अपडेट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। कुछ अपडेट चैनल को बदनाम करने वाले कुछ गलत प्रोवाइड कर देते हैं तो गलत भी हो जाती है, डोंट वरी, उसको तभी की तभी रिमूव कर दिया जाता है। CGL एनालिसिस के ग्रुप्स भी हैं, वो ज्वाइन कर लेना, उन पर कंटेंट जब जब हमारे पास आता है वो प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल लाइक इट।